नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मुझे पूरी आशा है कि आपकी जो तैयारी है वीडियो री एग्ज़ाम की बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज मैं महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसमें हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आप सभी को ये पता है कि 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद धांधली और भ्रष्टाचार के चलते हुए भर्ती रद्द हो गई थी। और उस भर्ती जो रद्द हुई थी उसमें कितने स्टूडेंट, लगभग 1350 से ज़्यादा भी स्टूडेंट इसमें जो है धांधली के तहत इसमें चयनित हुए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा ये तो पूछते ही पूछते हैं कि सर जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो स्टूडेंट परीक्षा देंगे या नहीं देंगे। और हमेशा स्टूडेंट ये तो इस बात को तो कहते कहते सर वो एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है कि पहले की तरह उनकी भी इस बार जो है फिर जुगाड़ लग जाएगी। क्या ये संभव है या असंभव है, इस बात पे हम बात करेंगे। और फिर जो महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करेंगे एडमिट कार्ड को लेकर के। बहुत सारे छात्र हमेशा ये पूछते हैं कि सर एडमिट कार्ड जो है कब तक आ जाएगा। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है क्या एग्ज़ाम जो आपका जो होने जा रहा है, जो आयोग ने डेट दी है 26-27 जून की, क्या एग्ज़ाम अब आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं, कितने दिन अगर एग्ज़ाम बढ़ता है तो कितने दिन एग्ज़ाम आगे जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो हम बात करेंगे कंपटीशन को लेकर के, जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार जैसे बहुत सारे छात्र इस बात को मन में लेके बैठे हैं कि पुराना एग्ज़ाम है 2018 की परीक्षा हुई थी तो इस बार जो कंपटीशन है बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। और मैं बाकायदा आपको जो डिटेल के साथ बताऊंगा, मेरे पास निश्चित रूप से मैं बहुत कम जैसे कॉल उठा पाता हूं, लेकिन जब तक शाम को जैसे कोई कॉल करता है तो मैं बात हो जाती है, उसके आधार पर मैं एक आइडिया के तौर पर आपको बता रहा हूँ। और हमेशा स्टूडेंट से जो कॉल पर मेरी बात होती है स्टूडेंट से, और उनका जो अपना स्टूडेंट जो स्कोर जो शेयर करते हैं उसके अनुसार, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा बहुत 19-20 बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं झूठ बोल देते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा मुझे तो काफ़ी अनुभव के साथ जब बात किसी से होती है तो पता लग जाता है कि ये सही और कहाँ तक चीज़ें चल रही हैं। तो कॉल के आधार पर बताऊंगा कि कितनी कंपटीशन इस बार देखने को मिलेगी। विशेष रूप से गर्ल्स जो हैं, अगर आप परीक्षा में बैठने जा रही हैं तो ये ध्यान रखना, इस बार आपको बहुत बड़ा मौका है और आप पीछे मत हटना, क्योंकि इस बार गर्ल्स बहुत ज़्यादा कंपटीशन देने वाली हैं एक दूसरे को, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इस पर भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसा कि आपको पता ही है और 1800 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, हमने इसकी जो तैयारी है के लिए ये ग्रुप बनाया है स्पेशल, जिसमें बहुत कम समय में एक संक्षिप्त नोट्स के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम पूर्ण हिंदी है, आपको जीके है, यूपी जीके है, यूपी करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर कंप्यूटर और प्रीवियस क्वेश्चन, उसके साथ डेली टेस्ट भी मैं आपको टॉपिक वाइज करवाता हूँ, उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट नोट्स जो जिसमें इसमें हम बात करेंगे आर्थिकी को लेकर के। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इस बार ऐसी आने वाली हैं जैसा कि देख लेना कि बिल्कुल हटके आएंगी बिल्कुल, तो आर्थिकी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपडेट जो है चीज़ें याद करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें। और इस बात देख लेना करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी से संबंध, तो इसका भी मैं आपको जल्द ही जो है ग्रुप पर नोट्स देने जा रहा हूँ। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को, ठीक है, और एक कूपन कोड लगा सकते हैं वीडियो 20 करके, तो जिससे जो है आप बहुत कम फीस हमने रखी है। और ये फीस भी मैंने आपके कहने पर, बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर आप जो नोट्स देते हैं तो उसकी फीस जरूर थोड़ी बहुत रखिएगा, तो बहुत ना मात्र के 100 रुपये की, कोई 100-150 रुपये वाली बात है, तो ये वीडियो 20 कूपन कोड डाल देंगे तो आप उसे ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम जो ग्रुप है आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। और इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं भी कोई समस्या होगी, अगर ऐसा लगता है कि मैं पूरा नोट्स नहीं पढ़ना चाहता, कुछ ही जो सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, हो सकता है कि आपका एक सब्जेक्ट कोई कमज़ोर हो, तो वो सब्जेक्ट भी आप जो है पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और डेली टेस्ट वगैरह तो वो आप दे सकते हैं। तो एक निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन कर लीजिए, एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। अगर अच्छी तैयारी है तो और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो मौका आपको मिलने जा रहा है, और इस बार समझिएगा 1953 है और इस बार भी कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ऐसा नहीं कि बहुत सरल होने वाला है कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब आप देखेंगे, जब आपका इसका रिजल्ट आएगा तब, तो कहीं भी मैं तो ये कहता हूँ
कि आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो अपना पूरा 100% दें, और अभी भी काफ़ी समय है, एक अच्छी तैयारी आपकी आराम से हो सकती है। मैंने कई वीडियो बनाई हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ कि अभी भी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी सकारात्मक सोच के साथ आप तैयारी करिएगा, एक टाइम टेबल निश्चित करके और तैयारी करिएगा। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जो आपका सपना है नौकरी का, जो माता पिता का सपना, वो निश्चित रूप से आपका पूर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और हेल्प नंबर भी दे रखा है। कोई दिक्कत विक्कत हो रही है ज्वाइन करने में तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप शाम को कॉल करेंगे तो फिर मुझसे ही बात होगी। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1350 प्लस स्टूडेंट जो पिछली बार धांधली के चलते उसमें चयन हुए थे और इसी के तहत ये भर्ती रद्द हो गई थी, तो क्या वो स्टूडेंट इस बार बाहर होंगे या अंदर होंगे इस परीक्षा में? तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आयोग ने अभी तक, ऐसा नहीं है कि ये पहली भर्ती है जो आयोग द्वारा रद्द हुई है धांधली भ्रष्टाचार के, इससे पहले भी एक दो भर्ती हैं, शायद आपको ना पता हो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले भी एक दो भर्ती हैं जिसमें जो धांधली भ्रष्टाचार की तरह रद्द हुई थी परीक्षा, पुनः परीक्षा उनकी जो है करवाई गई थी। लेकिन इस तरह का आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस के माध्यम से या कोई आयोग के किसी भी सदस्य ने या जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं बताया कि जो छात्र इसमें धांधली के तहत आयोग में पकड़े जाते हैं तो उनको परीक्षा से बाहर किया जाता है या नहीं किया जाता है, ऐसा अभी तक कभी भी आयोग ने नहीं बताया है। लेकिन इस बार जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे, दो दिन पहले अभी भी लेखपाल से संबंधित जो धांधली में कुछ छात्र पकड़े गए थे, जो गुरोह था उससे संबंधित अभी भी धरपकड़ चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आयोग जो है कुछ निश्चित रूप से सतर्क है और निश्चित रूप से कुछ न कुछ जो है करने के विचार में है। लेकिन अभी ये निश्चित बिल्कुल नहीं है कि ये छात्र बाहर होंगे या, लेकिन मैं पूर्ण समर्थन इस बात का करता हूँ कि जो छात्र इसमें, जो धांधली के चलते हुए जो छात्र 1300-1400 स्टूडेंट इसमें हैं, उनको जो है इस एग्ज़ाम से जो है बाहर किया जाना चाहिए। एक बार जो धांधली करते हुए पकड़ा गया तो भाई वो फिर भी कर सकता है, ऐसा भी संभावना बनती है, फिर लगा सकता है कोई जुगाड़, लेकिन जुगाड़ रही बात बाद की। लेकिन इस बार जैसे बहुत सारे छात्रों के मन में डाउट है कि सर पहले की तरह भी जुगाड़ चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, लेकिन इस बात को मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जो धांधली पहले चली है इस बार नहीं होने वाली है। पढ़ने वाले ही छात्रों का चयन निश्चित रूप से होगा। अगर आप एक तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो आपकी बाधित होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है सरकार से कि इस बार जो भर्ती बिल्कुल जो है निष्पक्ष तरीके से जो है होगी ही होगी। ठीक है, और मैं पूर्ण समर्थन जो करता हूँ कि इन छात्रों को बाहर किया जाए, और जैसे कोई अपडेट इससे संबंध मिलेगा निश्चित रूप से आयोग इस बार जो है कुछ ना कुछ बड़ा ही करेगा ही करेगा। जैसे कोई अपडेट मिलेगा तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है, मैं पूर्ण समर्थन है, और इस पर सभी चैनल वालों को एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए जिससे पिछली बार जो धांधली वाले छात्र हैं उन सबको बाहर किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई एडमिट कार्ड को लेकर। बहुत सारे छात्र कहते हैं सर एडमिट कार्ड जो है कब आ जाएगा, तो इस बार जो है आयोग कुछ चीज़ें जो है परिवर्तन करने वाला है। जैसे कि इस बार हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम जो सिटी है वो आपको जल्दी पता लग जाए, जो आपकी एग्जाम सिटी है हो सकता है कि आपको थोड़ा जल्दी पता लग जाए, और हो सकता है कि जो एडमिट कार्ड आपका है वो एग्जाम से, जो एग्जाम आपका है उस एग्जाम से हो सकता है कि भाई 5-6 दिन पहले ही आपका जो है वो डाउनलोड हो, ऐसा भी आयोग कर सकता है। कुछ चीज़ें जो है आयोग इस बार परिवर्तन कर सकता है, जैसे कोई 100% सिक्योर जैसे पता चलेगा, अभी विचार जो विमर्श जो है बताया जा रहा है कि इस पर चीज़ें चल रही हैं, और जैसे कोई पता चलेगा तो आपको जो है सूचित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम अगर परिवर्तन किसी कारण से नहीं हो पाता, वैसे तो आयोग इस बार जो बहुत ही अच्छी तरीके सतर्क तरीके से पूरी परीक्षा कराने के प्लान में है ही है, लेकिन अगर फिर भी अगर जैसे एग्जाम सिटी जैसे बताया जा रहा है कि एग्जाम सिटी पहले बताएगा, अगर नहीं कर भी पाता है तब भी 8-10 दिन पहले ही आपका जो है एडमिट कार्ड सूचित किया जाएगा, इससे पहले आपका बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि इसकी धांधली को रोकने के लिए जो एडमिट कार्ड है वो 3-4 दिन पहले ही जारी होने चाहिए। एग्जाम सिटी आप चाहे बता दीजिएगा आपका एग्जाम आगरा में है या लखनऊ में है या कानपुर है, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन एग्जाम सिटी जो आपका एग्जाम जो सेंटर है वो आपको जो परीक्षा है उससे 3-4 दिन पहले ही बताना चाहिए, इससे बहुत सारी चीज़ जो है धांधली को बहुत प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ें। अब बात, बहुत सारे छात्र इस पर कहते हैं सर भ्रष्टाचार पर क्या रोक लग पाएगा? बिल्कुल, जैसा बहुत सारे छात्र इस बात सोच रहे हैं क्या पहले की तरह से परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पहले की तरह हो क्या
भ्रष्टाचार रहेगा नहीं रहेगा, तो लेकिन मैं आपको इस बात को बिल्कुल विश्वास और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका जो है इस बार जो परीक्षा है बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से जो है एग्ज़ाम कराएगा ही कराएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका मुँह उठा के एग्ज़ाम चला जाए और एग्ज़ाम दे जाएगा और पास हो जाएगा। बाकायदा बायोमेट्रिक चीज़ें जो है चलेंगी इस बार, जो है बहुत अच्छी चीज़ चलेंगी, बहुत ही जो है आई वगैरह स्कैन भी जो है हो सकता है कि इस बार चीज़ें रहे जिससे जो है धांधली भ्रष्टाचार ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी। अब बात करते हैं मुख्य पॉइंट पर, क्या एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा। बहुत सारे छात्र हमेशा ये पूछते हैं सर क्या एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है। तो जैसा कि मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम जो आगे बढ़ने की जो संभावना है, जो आयोग का अभी तक हम रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसा नहीं, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम डेट क्लियर हुए हैं और उसमें से कम आप 60-70% एग्ज़ाम ऐसे देखेंगे कि जिनकी जो है एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाई गई है, चाहे 10 दिन हो, चाहे 15 दिन हो, चाहे 20 दिन हो। तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने की संभावना नहीं है, पर लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम अगर 4-5 साल हो गई तो एग्ज़ाम हो जाए तो बेहतर है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कोई सूचना मिलेगी आपको बताएं, लेकिन आप अपनी जो तैयारी है वो 26-27 जून मान के ही तैयारी करें। आयोग इस तारीख को ही यानी कि परीक्षा कराएगा, तो आप उसी के माध्यम से तैयारी करें। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका जो एग्ज़ाम बढ़ेगा। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर एग्ज़ाम इसका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, तो आप इसी तैयारी करें। लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी के तौर पर आप मान सकते हैं कि भाई 1% हो सकता है किसी कारण से, कुछ एक पेच है जो फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो हो सकता है उसके माध्यम से बढ़े, लेकिन संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी आप रख सकते हैं, बढ़ सकता है, लेकिन ना के बराबर चीज़, ये मान के चलिएगा। लेकिन अपनी तैयारी इसी डेट को मान के तैयारी करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप एग्ज़ाम इसका बढ़ जाए तो आप तैयारी थोड़ा धीमापन कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 26-27 जून को ही पेपर होगा, तो उसी के माध्यम से आपसे उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई सूचना अगर मिलती है आगे एग्ज़ाम बढ़ने की, तो ऐसा आपको सूचित किया जाएगा, आपको निश्चित रूप से 5-6 दिन के अंदर में बताया जाएगा बिल्कुल भी ऐसा कुछ होगा तो। लेकिन फिलहाल आयोग ऐसा कोई भी विचार नहीं कर रहा कि एग्ज़ाम आगे बढ़े। ठीक है, अब बात करूँगा कंपटीशन को लेकर के, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जो लड़कियां हैं, जो ध्यान रखना गर्ल्स हैं, ये मत माने इस बार कि कंपटीशन आपकी कम होने जा रही है। मैं निश्चित रूप से इस बात को आपको बता रहा हूं, लगभग डेली में ही कम से कम मैं बता रहा हूं, मैं आपके डेली अगर आप मानेंगे तो 4 से 5 जो है गर्ल्स का फ़ोन आता है, और इसी प्रकार से फ़ोन आता है कि सर मुझे इसमें सिलेक्शन लेना, मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, किसी भी तरीके से निकलना, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूं और इसके मैं कितनी मेहनत, 10-10 घंटे भी पढ़ सकती हूं, 12 घंटे भी पढ़ सकती हूं, क्या पढ़ूं, किस तरह से पढ़ूं। तो उससे आइडिया लग रहा है कि इतनी जो गर्ल्स इस बात सीरियस है पढ़ाई को लेकर के, और 2018 के बाद बहुत परिवर्तन भी हो चुका है। बहुत सारी लड़कियों को हो सकता है उस समय पर एज कम हो तो अब कुछ ज़्यादा हो गई हो, और इसी प्रकार बॉयज़ हैं जो उस समय 2018 में हो सकता है 22 साल के हों, अब 27 साल के हो गए होंगे। तो गर्ल्स में इस बार जैसा क्रेज़ देखने को मिल रहा है ना इसकी तैयारी को लेकर के, शायद ही मैंने किसी एग्ज़ाम के लिए देखा हो। इससे पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए UPSS से, बहुत सारे छात्र कांटेक्ट में रहते थे, कॉल से भी आती थी, लेकिन इस बार जो है मैं गर्ल्स का जो एक बार रुझान जो देख रहा हूँ ना, बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। इसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़कियाँ जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी कहीं पीछे मत छूट जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो अपनी तैयारी में आज से ही जो मेहनत आप कर रही हैं वो आप जो है दोगुनी कर देना, ये ध्यान रखना। इस बार कंपटीशन बहुत अच्छी होने जा रही है, ये मान के चलिए आप। रही बात लड़कों की, तो ये बहुत सारे छात्र इस बात को सोच रहे हैं, जो हो सकता है उन्हें थोड़ा बहुत समझ की कम हो, थोड़ी समझ उनकी थोड़ी कम रही हो कि कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पहले जो कंपटीशन था ऐसा ही कंपटीशन आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप भी ऐसा ना सोचें कि कंपटीशन बहुत कम है तो थोड़ी बहुत पढ़ के हम जो है सिलेक्शन ले सकेंगे। बहुत सारे छात्र जो पेपर है, जो कॉल्स करते हैं और जो टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है, चाहे ऑनलाइन लगा रहे हों, लेकिन लगातार छात्रों से अगर जो बात होती है तो वो जो है अपना स्कोर जो है शेयर करते हैं। तो बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है,
कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो मीडियम स्कोर लेके आ रहे हैं, जो कुछ छात्र ऐसे हैं जो बहुत कम स्कोर लेके आ रहे हैं। जो कम स्कोर लेके आ रहे हैं तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो मीडियम स्कोर लेके आ रहे हैं, जो 90 है या 100 है, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो 90 95 100 या 100 105 110 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये लगभग तो उनको थोड़ा बहुत और अच्छी से मेहनत करनी है जिससे उनका स्कोर और बढ़ चुका है। जो छात्र कुछ अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो वो उनके लिए बेनिफिट है कि वो अच्छा और बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अच्छा कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आप जो है कहीं भी हों, अभी चाहे आपके 80 आ रहे हों और चाहे आपके 90 आ रहे हों, चाहे 110 आ रहे हों, ठीक है, एक सही रणनीति के तहत आपकी तैयारी होनी चाहिए। अभी भी समय है काफ़ी आपके पास, एक सही रणनीति के तहत आपकी जो है तैयारी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आप भी अब अच्छा स्कोर बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं और वीडियो बनने का जो सपना है वो पूर्ण कर सकते हैं। एक सही रणनीति के तहत आपकी तैयारी होनी ही होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है, हम सही तरह चीज़ों को कर नहीं पा रहे, किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, तो निश्चित रूप से आप जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि अपनी जो मेहनत है वो दोगुनी कर दीजिए, क्योंकि समय अब ज़्यादा है नहीं और जो संभावना बताई जा रही है एग्जाम की वो फिलहाल तो नहीं लग रही है, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी 1% बनती भी है तो वो आपको बता दूंगा मैं। 4 से 5 दिन के अंदर में चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है, चलिएगा। अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, किसी भी कोई कुछ आप क्वेश्चन पूछना भी चाहते हैं तो शाम को मुझे कॉल करेंगे, संडे को करेंगे तो बहुत तसल्ली से आपके बात हो जाएगी, संडे को अगर आप कॉल करेंगे तो बहुत तसल्ली से आपको बात हो जाएगी, ठीक है। अगर आप और बात करना चाहते हैं जैसे सोमवार हो, मंगलवार हो, तो लेकिन शाम को कॉल करिएगा आप, तो निश्चित रूप से और आप अच्छी सी बात हो जाएगी आपको, ठीक है। नंबर आपको पता ही है 8923929473, ठीक है, सौ में कॉल करेंगे, मुझसे ही आपसे बात होगी बेहिचक में। आप बहुत सारे छात्र कॉल करते हैं और जैसे अलग जो अलग अलग बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं फ़ोन सीधे से बात नहीं हो पाती, आप शाम को कॉल करेंगे तो मुझसे ही बात होगी, ये इस बात को जान लीजिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप जो है कॉल कर सकते हैं, कोई परेशानी भाई, लेकिन शाम को कॉल करेंगे आप, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो मैं जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि जैसे मैंने आपको पत्र लेखन मैंने आपको वीडियो बना दी है हिंदी में, अगर मैं स्पेशली की बात कर रहा हूँ, पत्र लेखन और साहित्य, हिंदी साहित्य लेखन वगैरह इसका करा दिया है पूरा आपका, ठीक है। उसके साथ मैंने यूपी करंट का जो पूरी वीडियो आपको करा दी है, तो ये वीडियो आप अवश्य देख लें जिससे आपका जो है बेनिफिट हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।